प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सामाजिक विचारक, उस सामाजिक विचारक में हम लोग मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने दुर्खाइम, अगस्त कॉम्प्ट, कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में बताया था। आज मैक्स वेबर, नया थिंकर को हम शुरू करेंगे। तो मैक्स वेबर भी जैसे पुराने थिंकर्स थे, चाहे वो अगस्त कॉम्प्ट हो, जिनको कि समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, और चाहे दुर्खाइम हो, उसकी एक एक थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है और इतने सालों बाद भी आज तक भी वो अपना विशेष स्थान रखती है। कार्ल मार्क्स अपने आप में बहुत समृद्ध अपना विचारधारा रखते थे और आर्थिक नीतियों के बारे में या आर्थिक विचारों के बारे में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उसी श्रेणी में मैक्स वेबर भी अपना विशेष योगदान समाजशास्त्र के क्षेत्र में रखते आए हैं। और मैक्स वेबर के विचारों को, चाहे उनका कोई भी सिद्धांत हो, जो कि जैसे मैं आज पढ़ाऊंगी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, चाहे उनका आदर्श प्रारूप का सिद्धांत हो, चाहे नौकरशाही का सिद्धांत हो, चाहे धर्म के बारे में उनके विचार हों, सभी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और समाजशास्त्र ही नहीं बल्कि अन्य विषयों वाले लोग भी इन लोगों को कोट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर का जहाँ तक जीवन परिचय की बात है कि एक बहुत समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत, इनका परिवार भी काफ़ी पढ़ा लिखा था और ख़ुद भी इन्होंने कानून की और अन्य सभी क्षेत्रों में, चाहे वो लैंग्वेज के ऊपर हो, चाहे वो कानून की बात करो, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, हर क्षेत्र में इनका दखल था और अपने जो कि इनके विचारों पर भी हमको दिखाई देता है। जब जो कुछ भी इनकी राइटिंग्स हैं उनमें इनका समृद्ध विचारधारा नज़र आती है। तो इसी श्रेणी में जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि सामाजिक क्रिया होती क्या है। तो जो क्रिया है, क्रिया को हम उसी अर्थ में लेंगे जो कि जिस अर्थ में आमतौर पर आप लोग इसको समझते हो। क्रिया का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करना। पर मैक्स वेबर के अनुसार जो भी, अगर अपन जो भी क्रिया करते हैं, क्या वो सामाजिक क्रिया कहलाती है? तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती। तो सामाजिक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अर्थपूर्ण क्रिया, अर्थपूर्ण क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी, अर्थपूर्ण। तो जो भी क्रिया होती है, मीनिंगफुल एक्शन, मीनिंगफुल एक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। और वो अर्थ जो है, जो व्यक्ति, अगर मैंने कोई क्रिया की है तो एक तो मैं अकेले जो भी क्रिया कर रही हूँ वो क्रिया व्यक्तिगत क्रिया कहलाएगी। अगर सामाजिक क्रिया की बात करते हैं तो वो सबसे पहले तो हम ये देखें कि वो दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होनी चाहिए। दो और दो से अधिक, सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे। तो जब वो क्रिया दूसरे लोगों की, और जो व्यक्ति ने क्रिया की है, दूसरा व्यक्ति उस क्रिया को उसी अर्थ में समझे, इसीलिए इसको मीनिंगफुल एक्शन कहते हैं, अर्थपूर्ण क्रिया कहते हैं। क्योंकि जब, अगर मैंने वो उस क्रिया का जो अर्थ लगाया है और सामने जो उसका पक्ष है वो उसको उस अर्थ में नहीं समझता है, तो वो जो है उसका जो वो एक्शन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा और वो मीनिंगफुल एक्शन नहीं कहलाएगा। इसलिए कार्ल मार्क्स ने सामाजिक क्रिया उसको कहा है जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व हो, और जो व्यक्ति करने वाला व्यक्ति है वो उसका जो भाव है, जो समझने वाला व्यक्ति है, जो रेस्पोंडेंट है, वो भी उसको उसी भाव से ले, तब वो उसका जो मीनिंगफुल एक्शन, जो उसकी जो वो क्रिया है, तब वो क्रिया वो सार्थक होगी। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ वो चीज़ दूसरे व्यक्ति को उसी अर्थ में वो चीज़ समझे। और इसके लिए इन्होंने आगे, कार्ल मार्क्स ने इसको जिस अर्थ में क्रिया को मैक्स वेबर ने समझा है, तो उन्होंने कहा कि जो क्रिया, एक तो सबसे पहली बात है कि हर प्रकार का जो संपर्क है वो सामाजिक क्रिया नहीं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे जो कह सकते हैं कि भ्रम फैले हुए हैं इस सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में। तो पहला जो है कि हर प्रकार का जो संपर्क है वो, जो भी वो सामाजिक क्रिया
नहीं कहलाता है। तो अगर व्यक्ति किसी से, मान लीजिए अगर रोड पर जा रहा है और रोड पर जाकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टकरा जाता है, तो क्या वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी? वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। सामाजिक क्रिया तब कहलाएगी अगर वो यूं ही पास हो गए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वो आपस में टकराने के बाद एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसमें आपस में किसी प्रकार का संवाद हुआ, तो वो क्रिया जो है वो संवाद हुआ, गाली गलौच हुई या आपस में किसी भी प्रकार से उन्होंने एक दूसरे को टच किया, मारा मारी की, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों के बीच में आपस में कनेक्शन हो गया था। उसी अर्थ में इन्होंने दूसरी चीज कही कि अगर कोई व्यक्ति का हर प्रकार का जो अनुकरण, अगर एक व्यक्ति रोड पर जाते हुए जा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी जा रहा है, तो वो उसकी सामाजिक क्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रिया तब कहलाएगी जबकि जो पहला व्यक्ति है और जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को फॉलो करेगा। अगर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को फॉलो करेगा और उसको ये पहले से ही मानसिकता रखेगा कि ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है, और जाने के बाद वो उसके डेस्टिनेशन को पता करेगा और फिर मन में ये सोचेगा, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि आप समझ ही रहे हो कि क्योंकि उसका उसकी क्रिया जो है वो अर्थपूर्ण हो गई, क्योंकि वहां पर उसका मीनिंग उसके अर्थ के साथ इन्वॉल्व हो गया और उसको ये है कि ये व्यक्ति कहाँ पर जा रहा है और मुझे इसके बारे में जानकारी करनी है। और तीसरी बात यह है कि हर प्रकार की क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। जो व्यक्ति खुद को संबंधित करके क्रिया करता है वो क्रिया सामाजिक नहीं होती। जैसे हर प्रकार, मान लीजिए कोई व्यक्ति पूजा करता है, सपोज इसमें कोई व्यक्ति पूजा करता है, रोज वो डेली पूजा करता है, तो वो उसकी क्या होगी? वो उसकी व्यक्तिगत क्रिया है। अगर वो घर पर रहकर पूजा करे या किसी भी प्रकार से अगर वो ईश्वर को खुश करते हैं तो वो उसकी व्यक्तिगत क्रिया है। लेकिन उसी संदर्भ में अगर वो व्यक्ति जो है वो ये सोचे कि मंदिर में जाकर जोर से घंटा बजाकर म्यूजिक के साथ अगर वो कोई क्रिया करता है तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है वो आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप और इसी प्रकार से और भी एग्जांपल, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज स्नान करता है तो वो हमारी व्यक्तिगत क्रिया है, लेकिन किसी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर डे पर अगर किसी नदी में, किसी विशेष नदी में जाकर स्नान करता है तो वो उसकी सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो हर प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं है, वो व्यक्तिगत होगा। हर प्रकार का अनुकरण भी व्यक्तिगत हो सकता है, अगर उसमें कोई अर्थ इन्वॉल्व होता है तो वो सामाजिक क्रिया होगी। और हर प्रकार की क्रिया व्यक्तिगत हो सकती है, पर अगर उसमें किसी समाज का टच हो जाएगा तो वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से जो सामाजिक क्रिया है वो हमेशा दूसरों के प्रति उन्मुख होकर की जाती है, दूसरों के प्रति होगी, इसमें व्यक्ति खुद के प्रति नहीं है, बल्कि वो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, संपर्क भी व्यक्ति का उस दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, अनुकरण भी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और क्रिया भी जो है वो दो से अधिक व्यक्तियों का उसमें संपर्क होना चाहिए। तो अर्थ क्या हुआ सामाजिक क्रिया का? कि अर्थपूर्ण क्रिया, अर्थपूर्ण क्रिया मीन्स कि उस व्यक्ति जो भी क्रिया कर रहा है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो भी सामाजिक क्रिया है, ये मेरी व्यक्तिगत क्रिया नहीं, क्योंकि मैं जिस ढंग से पढ़ा रही हूँ और आप भी अगर उसको उसी अर्थ में समझ लोगे तो वो आपके एग्जाम के समय काम आएगा, और जैसे ही वो एग्जाम के समय काम आएगा तो आपका जो ये सामाजिक क्रिया के प्रकार हैं तो वो पहला प्रकार बन जाएगा तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया मतलब रैशनल, कैसे बनेगा रैशनल? क्योंकि मेरा पढ़ाना और आपका समझना, वो दोनों चीजें अगर आपस में कोरिलेट हो जाती हैं, तो जब वो आपस में कोरिलेट हो जाएगी तो वो क्रिया जो है वो तार्किक क्रिया बन जाएगी, क्योंकि अभी आप उसको देखोगे, उसके नोट्स बनाओगे या जो हम नोट्स डालते हैं उन नोट्स को पढ़ोगे, तो जब वो पढ़ोगे और उसको एग्जाम में उसी रूप में लिखोगे तब आपके नंबर अच्छे आएंगे, तो आपका जो लक्ष्य है पढ़ाई का वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तो क्रिया जो है वो रैशनल क्रिया बन जाएगी। ये सामाजिक क्रिया के प्रकार जो कि मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए हैं। दूसरा प्रकार आप ये देख रहे हो मूल्यांकनात्मक क्रिया,
ये वो क्रिया हो जाते हैं जिसमें कि जैसे समाज के मूल्य, आप समझते हैं समाज के मूल्य जो भी हमारे समाज में लक्ष्य निर्धारित किए हुए होते हैं, चाहे वो लक्ष्य बलिदान का हो, चाहे वो लक्ष्य त्याग का हो, चाहे इस प्रकार की कुछ कुछ चीज़ें समाज में फ्लोट हुई भी होती हैं, तो हम अपने जो भी कर्तव्य कर्म हमारे द्वारा किए हुए होते हैं उन कर्तव्य कर्म से हम कुछ कुछ मूल्य बना लेते हैं। तो जो ये मूल्यांकनात्मक क्रिया है, तो जब व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आती है कि उसको निर्णय लेना पड़ता है कि मैं ये करूं या ये करूं, तो जब वो इस प्रकार का निर्णय ले लेता है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में ये कह सकते हैं कि मान कोई व्यक्ति या कोई नाव जो है समुद्र में जा रही है, अब उसमें छेद हो गया सपोज, और वो नाव डूबने लग गई है, और उसके साथ में जो उसको चलाने वाला जो उसका नाविक है, तो वो या तो वो ये कर सकता है क्योंकि उसको तो तैरना आता है, पर वो फटाफट वो तैर कर उस चीज़ को अपने जीवन को बचा सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई इतनी सारी जानें रहती हैं, तो वो अंत तक कोशिश करता है कि वो जो है या तो मरेगा और अदरवाइज जो है वो उस नाव के उस छेद को भरने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके मूल्य आ गए, यहाँ पर उसका लग उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने साथ लाए हुए व्यक्तियों के जीवन का बचाव करे। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देश के प्रति नौछावर होने वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने भी तो वो उनकी व्यक्तिगत क्रिया नहीं थी देश को बलिदान या देश को आज़ाद कराना, लेकिन उस समय वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते थे, वो क्या था? मूल्यांकनात्मक क्रिया। क्योंकि वहां पर क्या चीज प्रमुख थी? वो चीज प्रमुख थी कि देश के प्रति देश को आजाद कराना, उनके मूल्य थे उनका। उस समय देश की आजादी के समय महिलाओं ने अपने जेवर या लोगों ने अपना धन संपत्ति मकान ये सब बेचा, किस लिए? देश के प्रति अपने निष्ठा को या देश के प्रति अपने मूल्यों को। और जिन लोगों ने अपना देश के प्रति बलिदान किया, उन सबका बलिदान किसके लिए था? देश के प्रति। वो उनकी व्यक्तिगत क्रिया नहीं थी। तो ये आप देख सकते हो कि मूल्यांकनात्मक क्रिया में मूल्य जो है वो प्रमुख होते हैं। तीसरा जो प्रभावात्मक क्रिया, ये भावपूर्ण क्रिया है। यहाँ पर जो भाव आते हैं जैसे घृणा का भाव या प्रेम का भाव या ईर्ष्या का भाव, ये उनसे प्रेरित होकर की जाती है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति का पुराना कोई किसी के साथ वैर भाव है और उसके कारण से अगर वो उसका बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर देता है, या भावावेश में आकर अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति बुरा व्यवहार कर देता है, तो वो सब क्रियाएं जो है वो प्रभावात्मक क्रिया, ये मूल किससे जो है ना, ये हमारे भाव से प्रभावित होती है, चाहे वो प्रेम का भाव हो, चाहे वो घृणा का भाव हो, चाहे वो युद्ध का भाव हो या वो त्याग का भाव हो। तो ये सारी क्रियाएं जो है वो प्रभावात्मक क्रिया भाव से जुड़कर होगी। और लास्ट है परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया वो क्रिया जो कि एंसेस्टर रूप से, पुराने परंपरागत रूप से समाज में चली चली आ रही हैं। इस प्रकार की क्रिया वो होती है जिसमें कि मतलब कोई तर्क को नहीं सोचा जाता, पहला जैसे पॉइंट है उस तर्क को नहीं सोचा जाता, बल्कि ऐसा समाज में होता चला आ रहा है। तो ऐसा समाज में जब होता चला आता है उसमें हम अपने तर्क का लॉजिक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, जितने भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, उनमें कहीं ना कभी कभी ना कभी तो वो किसी ना किसी रूप में बने हुए ही होंगे और उस समय उनका लॉजिक भी होगा, लेकिन आज के संदर्भ में कई बार वो जो है ना उनका तर्क पूर्ण तार्किक रूप से हमारा मन जो है वो कन्विंस नहीं होता है। फिर भी हम उन परंपरागत क्रियाओं को हम एथनिक रूप से समझने के कारण से, या हम उनको समझते हैं कि ये हमारी संस्कृति का पार्ट है, तो उस रूप में हम उनका उस प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, तो वो परंपरागत क्रिया कहलाती है। तो ये चारों क्रियाएँ मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक, प्रभावात्मक और परंपरागत क्रिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मैक्स वेबर है उनका अर्थ क्या हुआ सामाजिक क्रिया का, कि सामाजिक क्रिया व्यक्तिगत क्रिया नहीं है। दूसरी बात, वो क्रिया व्यक्ति की अर्थपूर्ण क्रिया है जो कि व्यक्ति अपने को दूसरे को उसी अर्थ में समझाना चाहता है जिस अर्थ में वो समझावा होता है, और जब तक वो उसको उस अर्थ में कन्वे नहीं कर देता है तब तक उसकी वो क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती है। तो मैं समझती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इसके नोट्स हम आपके ग्रुप पर डाल देंगे, तो आप लोग उससे अच्छे प्रकार से पढ़ाई करें। थैंक यू।